सभी लोग संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि, संधि का अर्थ होता है मेल, मेल। जब दो ध्वनियां आपस में जुड़ करके एक नया रूप ले लेती हैं, उसे हम संधि कहते हैं, या एक नया विकार उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम संधि कहते हैं। जैसे है आपका सूर्य प्लस उदय, इसमें आपका आ गया सूर्य, यहां से निकला हमारा आ और यहां से आया उ और ये बन गया ओ, यानी एक शब्द बन गया सूर्योदय। ये हमारा है संधि। और इसी शब्द को जब हम अलग करते हैं, यानी सूर्योदय का जब हम अलग रूप लिखते हैं ये, तो ये हमारा कहलाता है संधि विच्छेद। संधि हमारे संधि के तीन भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला है हमारा स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और सबसे अंत में आती है विसर्ग संधि। स्वर संधियों में स्वरों का मेल किया जाता है आ से लेकर के अह तक, आ से लेकर के ओ तक। सबसे पहला है स्वर संधि का भेद दीर्घ संधि। स्वर संधि का सबसे पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है इसमें आपका आ जाता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और यह क्रमशः बन जाते हैं बड़ा आ, बड़ी ई व बड़ा ऊ। यह इन रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं क्योंकि आ प्लस आ बराबर होता है बड़ा आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई व उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। ये किसी भी रूप में हो, छोटे या बड़े, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ये किसी भी रूप में हो ये बनेंगे बड़े ही, इसलिए इनको दीर्घ कहा जाता है। दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा। बाकी का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।